सो हे गाइस, कैसे हो? वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को एक कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग अपने फ्री फायर के अवतार के अंदर अपना खुद का फोटो, लोगो या फिर कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। तो पहले ना आप लोग प्रूफ देख लो, मैंने अपने फ्री फायर के अवतार के अंदर अपना खुद का लोगो लगा लिया है। तो इस तरीके से करके आप लोग भी अपने फ्री फायर के अवतार के अंदर अपना खुद का लोगो, फोटो या फिर कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। और हाँ, मैं आप लोग को पहले बता दूं, ये वीडियो कोई भी एडिटिंग या फिर क्लिकबेट नहीं है। तो अगर आप लोग को रियली में इस ट्रिक को जानना है तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। वाह मोदी जी वाह। सो गाइस, आज के दिन अपनी गेम के अंदर इमोट पार्टी वाले जो इवेंट है वो आ चुका है, जिसके अंदर से आप लोगों को ढेर सारे इमोट मिल रहे हैं। तो आप लोग ना मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने इस वाले इवेंट के अंदर डायमंड खर्च किया या फिर नहीं किया है। और हाँ गाइस, इस बार की अपडेट के बाद अपने गेम की फाइल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इमोट ऐड हुए, तो अभी मैं आप लोग को एक एक करके सारा इमोट दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ना आप लोग ये वाला इमोट देखो, जिसमें आप लोग एक छुटकू सा गाड़ी चलाते हुए देने को मिलेगा, और उसके बाद ना आप लोग एक बैडमिंटन वाला इमोट भी देने को मिलने वाला है। मतलब शायद से इस बार के अपडेट में आप लोग को बैडमिंटन के थीम पे कोई स्पेशल इवेंट देने को मिल सकता है। और ये वाला जो आप लोग डांसिंग वाला इमोट देख रहे हो अपने गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है सुबह के टाइम पे इमोट इवेंट के अंदर। और अब तक तो आप में से बहुत सारे बंदों ने इस वाले इमोट को तो निकाल भी लिया होगा। और गाइस, अब जो मैं आप लोगों को इमोट दिखाऊंगा ना, वो इमोट आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाला है। अब देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बंदों को थ्रोन इमोट बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसलिए फ्री फायर वालों ने थ्रोन इमोट को रीडिजाइन करके एक न्यू इमोट बना दिया है आप लोगों के लिए। लेकिन ना इस वाले इमोट के अंदर एक ट्विस्ट है। जिस तरीके से अपने गेम के अंदर रॉक सीजर पेपर वाला इमोट है, सेम उसी तरीके से इस वाले इमोट को बनाया गया। जैसे आप लोग इस वाले इमोट को दिखाओगे, आपके फ्रेंड लोग भी उस वाले इमोट को दिखाएंगे, और किसी किसी को यहाँ पे टॉयलेट चेयर मिलेगा और किसी किसी को अच्छा वाला चेयर मिलेगा। तो बताओ यार कमेंट करके कि ये वाला इमोट आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस, ये वाला जो इमोट आप लोग देख रहे हो ना, जो कि पेट के साथ डांस कर रहा है, ये वाला इमोट आप लोगों को तो इतना ज्यादा पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन लड़की लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाला है। अब अगला जो इमोट है वो है एंजेलिक वाला इमोट। पता नहीं यार फ्री फायर वालों को एंजेलिक से कितना प्यार है। मतलब हर एक अपडेट में एंजेलिक का कुछ न कुछ रिवॉर्ड देने को मिलता ही मिलता है। इस बार के अपडेट में हम लोग को एंजेलिक का पैंट देने को मिला है, ग्रीन एंजेलिक पैंट, और फिर ड्रेस देने को मिले हैं, और ये वाला इमोट भी देने को मिल चुका है। और गाइस, ये जो स्पाइडरमैन वाला इमोट है ना, ये तो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, इस वाले इमोट को तो आप लोग क्लेम कर ही लोगे। और अब जो मैं आप लोगों को इमोट दिखाऊंगा वो होने वाला अपना ईवो MP40 2.0 का इमोट। वैसे मुझे कोबरा MP40 का इमोट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला ईवो MP40 का इमोट बहुत ज्यादा ही सिंपल हो गया। और ये जो आप लोग लास्ट वाला इमोट देख रहे हो, ये हो सकता है कि आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है 6th एनिवर्सरी के टाइम पे। तो अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं इस बार के अपडेट के बाद अपने गेम के फाइल में जितने भी गन के स्किन ऐड हुए। तो सबसे पहला जो गन स्किन आप लोग यहां पे देख सकते हो, चार्ज बूस्टर का स्किन होने वाला है। तो ये वाला चार्ज बूस्टर का स्किन काफी यूनिक है, और इसका जो एट्रीब्यूट है डबल रीलोड स्पीड प्लस, मूवमेंट स्पीड माइनस, और चार्ज स्पीड प्लस होने वाला है। और अगला जो गन का स्किन निकल के आ रहा है वो है अपना AC-AT का स्किन। इसका एट्रीब्यूट आप लोग यहां पे देख सकते हो, सिंगल रेंज है, मैगजीन माइनस है, और डबल आर्मर पेनिट्रेशन प्लस है। और इस वाले गन के स्किन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो गन का स्किन हम लोग को इनक्यूबेटर के अंदर देने को मिल सकता है, लेकिन अब तो अपने गेम के अंदर इनक्यूबेटर वाला जो इवेंट वो तो नहीं आने वाले ना। तो ये वाला गन का स्किन आप लोगों को रिंग बैंड या फिर किसी स्पेशल इवेंट के अंदर देने को मिल सकता है, क्योंकि इसी के थीम पे आप लोगों को तीन तीन गन का स्किन देने को मिला है AC-AT का। और ये जो रेड कलर का AC-AT का स्किन है, इसका एट्रीब्यूट्स तो ऐड ही नहीं किया है। और पर्पल वाले AC-AT स्किन का आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हो, सिंगल डैमेज प्लस है, डबल रीलोड स्पीड प्लस है, और मूवमेंट स्पीड माइनस है। और अगला जो गन का स्किन निकल कर रहा है ना, वो है फार्मर्स का स्किन, जो कि आप लोगों को बुइया पास के अंदर देने को मिलने वाला है। और इसका जो एट्रीब्यूट्स है डबल रेंज एक्यूरेसी माइनस और मूवमेंट स्पीड प्लस है। और ट्रैप बुइया पास के अंदर से जो आप लोगों को गन का स्किन मिलने वाला है वो अपना एक ही का स्किन होने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो एक ही का स्किन आप लोग देख रहे हो अपने ट्रैप बुइया पास के अंदर से आने वाला है। और इस वाले एक ही का स्किन का जो एट्रीब्यूट है रीलोड स्पीड माइनस है, मैगजीन प्लस है, और एक्यूरेसी डबल प्लस है। और अगला जो गन का स्किन निकल कर रहा है वो अपना M14 का स्किन, जिसका मैगजीन प्लस है, एक्यूरेसी डबल प्लस है, और मूवमेंट स्पीड माइनस है। ऐसे भी M14 बिना स्किन का भी बहुत अच्छा चलता है, अगर आप इसमें तीन चिप लगा के अपग्रेड कर लेते हो तो। और अगला जो गन का स्किन निकल कर रहा है वो है अपना AWM का स्किन, और ये जो AWM का स्किन एकदम सिंपल, इसमें कोई भी इफेक्ट या फिर एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसका जो एट्रीब्यूट है सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस है, रिलोड स्पीड प्लस है, और मूवमेंट स्पीड माइनस है। और इस वाले ग्रोजा की स्किन को आप लोग देख सकते हो, डबल रेंज प्लस है, मैगजीन प्लस है, और एक्यूरेसी माइनस है। और अभी मैंने आप लोगों को इतना सारा गन का स्किन दिखाया, आप लोगों को कौन सा गन का स्किन सबसे ज्यादा पसंद है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगला जो गन का स्किन निकल कर रहा है वो है अपना M24 का स्किन, और इसका भी एट्रीब्यूट आप लोग देख सकते हो, सिंगल डैमेज है, सिंगल रिलोड स्पीड प्लस, और मैगजीन माइनस है। और ये भी एक थीम स्किन है, इसके अंदर आपको कोई भी इफेक्ट या फिर एनिमेशन देने को नहीं मिलेगा। और गाइस, बनी के थीम पे आप लोगों को P90 का स्किन भी देने को मिलने वाला है, जिसका एट्रीब्यूट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रिलोड स्पीड माइनस है, एक्यूरेसी डबल प्लस है, और मूवमेंट स्पीड प्लस है। और बनी P90 के साथ साथ आप लोगों को बनी के थीम पे आप लोगों को M187 का स्किन भी देने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो बनी M187 का स्किन है, ये भी एक थीम स्किन है, इसके अंदर भी कोई भी इफेक्ट या फिर एनिमेशन देने को नहीं मिलेगा। और इसका जो एट्रीब्यूट है सिंगल रेंज प्लस है, एक्यूरेसी माइनस, और मूवमेंट स्पीड सिंगल प्लस है। और ये जो डबल USP का स्किन है, ये तो आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर से मिल चुका होगा। और BR रैंक सीजन के अंदर से जो आप लोगों को गन का स्किन मिलने वाला है वो अपना थॉमसन का स्किन होने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। गाइस, अभी मैंने आप लोगों को सारे के सारे गन के स्किन को दिखा दिया, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस, अब मैं आप लोगों को एक न्यू स्काई विंग का स्किन दिखा
दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये जो स्काई विंग का स्किन है ये भी आप लोग को ट्रैप इवेंट के टाइम पे देने को मिलने वाला है। और इस वाले स्काई विंग के साथ आप लोग को एक एनिमेशन भी देने को मिलने वाला है, तो अभी मैं आप लोग को एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला एनिमेशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप लोग बताना कमेंट करके कि ये वाला एनिमेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं इस बार के अपडेट के बाद अपनी गेम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सर्वोट का स्किन एड हुए, बहुत ही यूनिक। तो सबसे पहला जो सर्वोट का स्किन है ये आप लोग को बुइया पास के अंदर देने को मिलने वाला है, और दूसरा जो सर्वोट का स्किन है ये भी आप लोग को ट्रैप बुइया पास के अंदर से मिलने वाला है। और अगला जो सर्वोट का स्किन है ये तो आप लोग को फ्री में ही मिलने वाला है, क्योंकि भाई इस तरीके का सर्वोट का स्किन हमेशा आप लोग को फ्री में मिलता है। और सबसे यूनिक सर्वोट का स्किन देने को मिला है इस बार के अपडेट के बाद, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्या ही तो लग रहा है। तो आप लोग बताना कमेंट करके ये वाला सर्वोट का स्किन आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस बनी के थीम पे आप लोग एक सर्वोट का स्किन देने को मिला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो सर्वोट का स्किन है बनी के थीम पे होने वाला है। ये वाला जो सर्वोट है आप लोगों को डेंसो के थीम पे देने को मिला है, जो कि आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। और गाइस अगला जो सर्वोट का स्किन है ये तो आप लोगों को 100% की फ्री में ही मिलने वाला है। तो ये वाला जो सर्वोट का स्किन है ये आप लोगों को स्पाइडरमैन इवेंट के अंदर से आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। तो इसको लेने के लिए बस आप लोगों को छोटे मोटे मिशन कंप्लीट करना है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं OB40 अपडेट के बाद अपने गेम के फाइल के अंदर जितने भी बंडल को ऐड किए गए। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रैप बुइया पास का बंडल दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो आप लोग बंडल देख रहे हो अपना ट्रैप बुइया पास का बंडल होने वाला है। और ये वाला बंडल लेवल 1 पे कुछ इस तरीके देने को मिलेगा और लेवल 2 पे कुछ इस तरीके देने को मिलेगा। और आप लोगों को तो पता है बुइया पास के बंडल को आप लोगों को लेवल अपग्रेड करना पड़ता है टोकन से। तो अभी मैं आप लोगों को इस वाले बंडल का लेवल 3 का लुक दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का होने वाला है लेवल 3 पे। तो बताओ यार कमेंट करके कि आप लोगों को ट्रैप बुइया पास का बंडल कैसा लगा। और दूसरे मंथ का बुइया पास का बंडल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो बंडल आप लोग देख रहे हो अपना बुइया पास का बंडल होने वाला है, मतलब इस वाले बुइया पास के अंदर से जो आप लोगों को बंडल मिलेगा ना उसमें आप लोगों को फीमेल बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा टोकन से, मेल वाले बंडल को आप लोगों को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए आप लोग 6 मिनट से वेट कर रहे हो, मतलब आप लोग भी अपने फ्री फायर के अवतार के अंदर खुद का फोटो या फिर लोगो लगाना चाहते हो। तो देखो मैंने अपने फ्री फायर के आईडी पर मोदी जी का अवतार लगा दिया है, और इस ट्रिक को यूज करके आप लोग भी अपने फ्री फायर के अवतार के अंदर खुद का फोटो को लगा सकते हो। तो चलो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना जो फ्री फायर का आईडी है जिससे भी आपका बाइंड है, जैसे कि ये वाला जो मेरा फ्री फायर का आईडी है ना वो जीमेल से बाइंड है। सबसे पहले हमको जीमेल पे जाना, और यहाँ पे हमको मैनेज अकाउंट पे जाना, और यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है उसको हमको चेंज करना है। इस तरीके से आप लोग भी अपने जीमेल का जो प्रोफाइल पिक्चर उसको चेंज कर लेना, आप लोग जो फोटो लगाना आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ रिफ्रेश करने के बाद अपने फ्री फायर को ऑन करना है। और देखो मैं आप लोग एक और चीज बताता हूँ, अगर आपका जो फ्री फायर का आईडी है जीमेल से बाइंड है तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। मतलब सिंपल आपको जीमेल पे जाके आपको फोटो को चेंज करना है और आपको फ्री फायर को रिफ्रेश करके ओपन करना है। और देखो कभी कभी क्या होता है कि तुरंत से आप लोग जीमेल का फोटो चेंज करते हो, तुरंत से अपने फ्री फायर को ओपन करते हो, तो शायद से तुरंत आप लोगों का चेंज नहीं होगा, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा तक आपको वेट करना है। और उसके बाद जैसे आप लोग अपने फ्री फायर को ओपन करोगे, वर्ल्ड पे जाओगे, प्रोफाइल चेंज करोगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे अवतार पर मेरा जो फोटो वो आ चुका है, तो जो भी फोटो आप लोग प्रोफाइल में लगाओगे वो फोटो आपको यहाँ पे अवतार में शो होने लगेगा। और ये कोई ग्लिच नहीं है, ये अपडेट है। और इस वाले अपडेट के बारे में आप में से बहुत ही कम बंदों को पता होगा। तो इस कमाल के अपडेट के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं किया है। और हां गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गया, ये जो अपडेट है ना अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर सर्वर पर वर्क कर रहा है, और आने वाले अपडेट में आप लोगों को इंडियन सर्वर पर भी देने को मिलेगा। तो जाओ और जाके सिंगापुर सर्वर में ट्राई करो, और अपना खुद का फोटो अपने फ्री फायर के अवतार में लगाकर अपने दोस्तों को जरूर से जलाना। और देखो यार मैंने आप लोगों को इतना मस्त वाला अपडेट सबसे पहले दिया है, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और जाते जाते मैं आप लोग को पिछले वीडियो का गिव अवे का विनर दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी के टाइम पे मैं डेली की वीडियो पे 500 डायमंड का टॉप अप का गिव अवे करता हूं। तो अगर आप लोगों को भी 500 डायमंड चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वाली वीडियो के नीचे बस आप लोग अपना UID कमेंट कर देना, ताकि जिसका भी UID सेलेक्ट होगा उसको मैं 500 डायमंड का टॉप अप करके दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।